हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं हूँ गोवा में, बागा बीच। ये है नॉर्थ गोवा में, काफ़ी क्राउडेड प्लेस है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो। अब निकल रहे हैं कार रेंट लेने के लिए बागा से। और दोस्तों, हाय हाय फ्रेंड्स। एडी भाई वॉक करा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। वो में रेंट करना बहुत इजी है, कार हो या स्कूटी हो, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। और प्रेफर है कि आप यहाँ के लोकल लोगों से लें, किसी अननोन बंदे से नहीं। और यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए। तो दोस्तों, ये लिए है थार हमने, ब्लैक कलर की। इसका नंबर देख लेते हैं। देखते हैं गर्मी में क्या होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा हॉट है। दोस्तों निकल गए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग अंजुना, और ड्राइव कर रहे हैं एडी भाई। थोड़ा अजीब लग रहा है, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएगा एक दो किलोमीटर के बाद। और ये पीछे अपने मोहित भाई बैठे हैं, मौज ले रहे हैं खुली हवा में। एक्चुअली गोवा घूमने का जो मज़ा है वो है सेल्फ ड्राइव। ऐसे मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं स्कूटी। हम लोग दो तीन बार जब भी आए हैं तो हमने स्कूटी प्रेफर की है, बट दिस टाइम हमने सोचा कुछ अलग करो तो थार ले ली। द वे टू अंजुना। देख ले भाई। तो दोस्तों, अंजुना बीच पे आ गए हम लोग। गाड़ी पार्क करके बीच की तरफ वॉक कर रहे हैं। अंजुना बीच सबसे वाइल्ड बीच है, मतलब वाइल्ड बोले तो यहाँ का जो पानी है काफ़ी तेज श्योर सर। फीलिंग इज रियली ऑसम फॉर अंजुना, सो वाइल्ड। आपने देखा कल बागा में बिल्कुल शांत था पानी। रियली वाइल्ड बीच। यहाँ आप देखेंगे कि सैंड नहीं है ज्यादा। दोस्त लोग कह रहे हैं कि खतरनाक लग रहा है भैया। खतरनाक क्यों लग रहा है बताइए? इसलिए लग रहा है, इसीलिए लग रहा है कि पानी मार रहा है थप्पड़ पे थप्पड़, और लग रहा है खतरनाक। की सड़कों का ये कार चला रहे हैं कॉन्फिडेंस में, जैसा कि हम देख सकते हैं साइड में दो गुना इसका ये है चपोरा फोर्ट की चढ़ाई। चपोरा फोर्ट वही फोर्ट है जहाँ दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, तीन हीरो, और आज भी तीन हीरो हैं। आगे फाइनली चपोरा फोर्ट। ये व्यू है चपोरा फोर्ट से वैगेटर बीच। देखिए, मतलब हम फोर्ट पे खड़े हैं दो किलोमीटर ऊपर, और आपको यहाँ भी पानी का वेव्स का आवाज़ आ रहा होगा।
एंजॉयिंग जलजीरा बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेमनेट के डैडी ने बताया लेमनेट काफ़ी एनर्जेटिक है। दिस इज कॉल्ड थार। नाम तो बड़े हैं वैसे कुछ भी कहो सब। गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है भैया। वेगेटर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? मेरा तो वेगेटर ही जा रहा है। तो वेगेटर तो रास्ता नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता करते हैं? तो पता कर लेते हैं चलिए। पहले तो पता कर रहे हैं अभी तो GPS दे दीजिए ना। वेगेटर बीच आ गए। गोवा में आपको सिर्फ बीचेस मिलेंगे और हर एक बीच डिफरेंट है। अंजुना वाइल्ड है, बागा क्राउडेड है। देखते हैं वेगेटर बीच क्या है। आई थिंक वेगेटर बीच अपने व्यू के लिए फेमस है, क्या कहो गाइड? वेगेटर बीच का जो व्यू है वो काफ़ी स्पेशल है। बट नवंबर स्टार्टिंग है, अक्टूबर एंड है, उसके बावजूद गोवा में गर्मी में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको जगह जगह कन्वेंस करेंगे वाटर स्पोर्ट के लिए। दिस इज कॉल्ड वेगेटर बीच। अभी हम ऊपर थे उस पहाड़ के ऊपर चपोरा फोर्ट, वहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो वेगेटर बीच का इसी का था। एक्चुअली इस बीच पर रॉक हैं काफ़ी। ये बीच डायरेक्टली कनेक्ट है अंजुना से। ठीक है, लंच का टाइम है, लंच करके फिर बात करते हैं आपसे। बाय बाय।